दिनांक 10 अक्टूबर को धरती पुत्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के विश्वविख्यात नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, जिसका शोक संपूर्ण देश मना रहा है। इसी बीच देश के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टों की बाढ़ आ गई है। इसमें से कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी देखने को मिली। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खनिया धाना से सामने आ रहा है। यहां पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जगदीश साहू के द्वारा एक श्रद्धांजलि पोस्ट पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के विषय में अभद्र टिप्पणी के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और मामला थाने तक पहुंचा, जहां पर यादव समाज के सैकड़ों युवाओं द्वारा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनके भगवान के समान हैं, जिनके विषय में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि मामला गंभीर होते ही कुछ घंटे पश्चात ही जगदीश प्रसाद साहू के द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से माफ़ी भी मांग ली गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आदरणीय नेताजी की उसमें यादगार में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और एक हमारे समाज के आदरणीय नेताजी के बारे में किसी दूसरी समाज के व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी उस पर की है, उसके लिए हमने इसमें कार्यक्रम रखा है। उसके लिए थाने में हम ज्ञापन देंगे और कानूनी प्रक्रिया से उस पर कार्रवाई हो, ये हम सब लोग चाहते हैं, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठी हुए हैं। मैंने एक अपने फेसबुक से माननीय नेताजी का देहांत हो गया, उसके लिए हम सभी शोकमय थे, उनके लिए मैंने एक पोस्ट डाली तो नगर खनिया धाना के जगदीश साहू द्वारा अमर्यादित पोस्ट की गई जो कि बहुत ही आपत्तिजनक थी। उसमें इन्होंने कहा कि कार सेवा बालों पर जिसने गोली चलाई वो मुस्लिम खून का होगा, जो कि कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं और देश के लिए उनका अहम योगदान है, भारतीय सेना के लिए उनका अहम योगदान है, जो कि भूला नहीं जा सकता। तो हम चाहते हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।